इधर मोगा में अपनी मांगों को लेकर पंजाब भर से आढ़तियों ने गोलबंद होकर रैली निकाली। आढ़ती एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में आढ़तियों ने केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध किया। इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो केंद्र को 2024 में आढ़ती वर्ग और मजदूर वर्ग बहिष्कार करने का काम करेगी। देखो अज का साडा मुख्य मुद्दा है जी सा पिछले 13 साल तो एस सी ए वालों जो सैलो के चाढ़ दी जा रही है वो 2023-24 की जी कणक खरीदी है वो कणक खरीदने तो बाद सू इनकारी करती है सूँ पहला दस देंगे असं आपका प्रबंध कर लेंगे। दूसरा मुद्दा है जी सा 8-2.5% मिलती आ रही है पिछले मैं समझा जदों का मंडीकरण एक्ट बनया वो परसेंटेज के हिसाब में MSP आड़त मिलती है MSP पहली बार होया कहते फिक्स कर दो जी 18-19 की थोड़ी आड़त है वह 19-20 चो 20-22 चो 22-23 मैं पूछा सी श्री पीयूष गोयल जी ने मैं क्या तुम दसो जो तनखा 18-19 के मुलाजमान की है सेंटर के कि वह 22-23 काम करे सर की नाम है कितों आए हो अच्छ मोगा के मंडी इकट्ठ हो कारण ने की मंगा ने मैं प्रेजिडेंट आड़ती एसोसीएशन कपूरथला दाना मंडी तो विपन कुमार मेरा नाम है अज असी इतने मोगा के एक रोस रैली लिए आए हैं साड़िया बड़िया देर तो 4-5 मंगा सी जी सरकार साड़ी सुन नहीं रही और सानू साड़ी जी मेन एक मेन मंग जी है वो जिदा कि इन्होंने साड़ी आर्ट को फ्रीज कर दिता 3 साल तो यह 4th साल है तुम देखो महंगाइया कितने चली गई लोगों दनखाव बढ़ रही महंगाई कि ज़्यादा हो गई आ पर साड़ी आर्ट को इन्होंने फ्रीज करके साढ़े ना बहुत वाला एक धक्का किया वा जिन आड़ती वर्ग बहुत परेशान आ साढ़े खर्चे बहुत बढ़ गए और प्लस साड़िया आड़त इन्होंने घटाती है साड़ी एक मेन मंग ये और साड़ी कॉटन बेल्ट वाले वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतह।